शिवसेना सांसद अरविंद सावंत को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। मंत्री बनने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में सावंत ने कहा कि शिवसेना ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जनादेश मिला है वो प्रधानमंत्री मोदी और शिवसेना की विचारधारा को मिला है और इस विचारधारा को वो और आगे लेकर जाएंगे। अरविंद जी, क्या प्राथमिकता रहेगी? अब आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, शपथ आज ले ली है, आपको बधाई हो सबसे पहले। मुझे लगता है कि जनता ने प्राथमिकता जानी तभी तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को या एनडीए को चुन कर दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत बड़ी मात्रा में चुन कर दिया, तो जनता जानती है कि क्या लेकर हम खड़े हैं। हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दे दिया था, घोषणा पत्र दिया था, उस पर विश्वास करके लोगों ने जीत कर लाई है। पिछली सरकार में कुछ कुछ चीज़ों पर मनमुटाव होता रहा, क्या इस बार लगता है कि ज़्यादा स्मूथ फंक्शनिंग होगी, आप और ज़्यादा योगदान पार्टी के लिए भी कर पाएंगे कैबिनेट में रहते हुए? दोबारा गठबंधन जब हुआ उसके बाद में जिस तरह से मनमुटाव छोड़कर मनोमिलन दिखने लगा, आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब खुद हमारे आदरणीय भारतीय जनता पक्ष पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी, उनके निर्वाचन के लिए जो फॉर्म भरना था उस वक्त वो खुद गए थे, माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी गए थे, तो ये मनोमिलन की बात है। और शिवसेना का आचरण ही अलग है, व्यवहार नहीं किया उसने। आपने परिवार संभालने की बात की तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर के नाराज हैं कि उनकी 16 सीटें होने पर भी उनको एक ही मंत्री दिया जा रहा है, क्या क्या शिवसेना में भी इस बात को लेकर के नाराजगी है कि कम सीटों वाले दल को? नाराजगी की बात नहीं, मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं, लेकिन नाराजी नहीं प्रकट करते हम। हम तो कहा यही तो बोल रहा है कि जो रिश्ता हमने जताया और निभाना चाहते हैं या सामने वाले भी निभाना चाहिए उसके लिए अपेक्षा होती है, लेकिन व्यवहारवाद और परिवार इसमें फर्क है।